नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। राजनीति में एक दूसरे के धुर विरोधी रहे दो नेताओं में से एक के दिवंगत हो जाने पर उनके नाम बनने वाले कॉलेज के लिए जमीन चिन्हित करने का काम दूसरे नेता ने किया, ऐसा उदाहरण बहुत ही कम सामने आता है। लेकिन उदयपुर जिले के सबसे हॉट सीट वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में ये देखने को मिला है। यहां दिवंगत कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के नाम से बनने वाले राजकीय कॉलेज के लिए जमीन चिन्हित करने के लिए जनता सेना संरक्षक व पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर स्वयं अधिकारियों के साथ मौका निरीक्षण करके जल्द सरकार को प्रस्ताव भेजकर कॉलेज शुरू करने की कवायद प्रारंभ करवाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के नाम राजकीय कन्या महाविद्यालय की घोषणा की थी। उसके निर्माण के लिए भिंडर नगरपालिका द्वारा जमीन चिन्हित करके राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी शुरू करनी थी। भिंडर नगरपालिका में वर्तमान में जनता सेना अध्यक्ष निर्मला भोजावत काबिज है। कॉलेज की जमीन चिन्हित करने के लिए जनता सेना संरक्षक व पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर नगरपालिका कार्यालय पहुंच के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ पालिका के अधिकारियों से पालिका के बड़े स्तर पर जमीन खाली होने की पड़ताल की, जिस पर मास्टर प्लान के अनुसार भिंडर मोतीडा रोड पर अंबेडकर भवन के निकट पालिका की जमीन सरकारी भवन बनाने के लिए प्रस्तावित मिली। पूर्व विधायक ने उच्च शिक्षा मंत्रालय जयपुर में कॉलेज के लिए कितनी जमीन की आवश्यकता है पता करके मौका निरीक्षण करने पहुंचे। यहां पर भिंडर पटवारी महेश पाटवा को भी बुलाया गया, जिस पर तय किया गया कि भविष्य में बड़ा कॉलेज भवन और खेल मैदान बनने के लिए 8 बीघा जमीन आवंटित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजना तय किया गया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष निर्मला भोजावत, उपाध्यक्ष मग्निराम रेगर, अधिशासी अधिकारी विजेश मंत्री, सहायक अभियंता प्रभुलाल सुथार, वरिष्ठ लिपिक इंद्र सिंह चौहान, भिंडर पटवारी महेश पाटवा उपस्थित थे। भिंडर के वार्ड 7 में बनने वाले कन्या महाविद्यालय से उस क्षेत्र का विकास होगा। इस क्षेत्र में वर्तमान में शिकारवाड़ी व विरबावलियों का खेड़ा गांव है। यहां शहरी क्षेत्र जैसा विकास भी नहीं हुआ है। कॉलेज भवन बनने से व्यवसायिक गतिविधियां शुरू होने के साथ क्षेत्र का भी विकास होगा। पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने कहा कि कॉलेज भवन के साथ इस क्षेत्र में शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पालिका स्तर पर भी प्रयास किए जाएंगे। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।